Myself, Dr. Kalpana Khandelwal, Associate Professor, Chemistry, Government MS College, Bikaner. PSC Part 2, Unit 1, Thermodynamics, Ushmagatiki 1. The branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy is called thermodynamics. उष्मागतिकी, उष्मागतिकी अर्थात उष्मा की गतिकी, उष्मा का प्रभाव। अतः विज्ञान की उस शाखा को उष्मागतिकी कहते हैं जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए उष्मा ऊर्जा तथा उष्मा के अन्य रूपों आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि में संबंध का अध्ययन होता है। उष्मागति के प्रमुख रूप से चार नियम हैं, शून्य नियम जीरोथ लॉ, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, द्वितीय नियम सेकंड लॉ, तृतीय नियम थर्ड लॉ। इस अध्याय में हम जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ का अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ पदों का पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि इस थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होती हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। System. It refers to the part of universe in which observations are carried out. Tantra या निकाय, ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना है उसे हम तंत्र कहते हैं। Second, surrounding. The part of universe other than the system is known as surroundings. परिपार्श्विक, तत्व के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र सराउंडिंग कहलाता है। बाउंड्री, द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। परिसीमा, तंत्र व सराउंडिंग को पृथक करने वाली सीमा को हम बाउंड्री कहते हैं या परिसीमा कहते हैं। परिसीमा रियल भी हो सकती है, मतलब वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अ सिस्टम इन विच द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उष्मागति के साम्य, यदि किसी तंत्र के अवस्था गुण समय के साथ परिवर्तित ना हो रहे हों और तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ अथवा ऊर्जा का प्रभाव ना हो रहा हो तो उस तंत्र के लिए कहा जाता है कि वह उष्मागति की साम्य में है। उष्मागति की साम्य तीन प्रकार के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू द सिस्टम टू अनदर द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। उष्मा या तापीय साम्य, तंत्र में यदि सब तरफ ताप एकदम समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो हम कह सकते हैं तंत्र उष्मीय साम्य में है। सेकेंड, केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि तंत्र का संगठन सब तरफ समान हो और समय के साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो हम कह सकते हैं तंत्र रासायनिक साम्य में है। मतलब यदि उनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है तो हम कह सकते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। थर्ड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इफ़ नो मैकेनिकल वर्क इज़ डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम इट इज़ सेड टू बी अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सच अ कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यांत्रिक साम्य, यदि तंत्र का अपनी परिसीमा के साथ पदार्थ का आदान प्रदान ना हो रहा हो तो तंत्र यांत्रिक साम्य की स्थिति में होता है। नाउ देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम जो हमें पता होने चाहिए, मतलब तंत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट, ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच energy and matter both can be exchanged with the surrounding is known as open system. खुला तंत्र, जब किसी तंत्र की परिसीमा से द्रव्य गुजर सकता हो अर्थात
तंत्र से द्रव्य निकल भी सकता हो और तंत्र में द्रव्य जुड़ भी सकता हो तो हम ऐसे तंत्र को खुला तंत्र या ओपन सिस्टम कहते हैं। ऐसे तंत्र का अपने सराउंडिंग से ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल, एक खुला बीकर में यदि हम गर्म जल लेंगे तो हम देखते हैं कि वो पानी ठंडा भी हो जाता है, मतलब उष्मा भी आदान प्रदान हो गया, और यदि हम उसे खुला पड़े रहने देंगे तो कुछ टाइम बाद वो एवोपरेट भी हो जाता है, मतलब मैटर का एक्सचेंज भी हो जाता है। सेकेंड, क्लोज सिस्टम, द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। बंद तंत्र, ऐसा तंत्र जिनकी परिसीमा से द्रव्य ना गुजर सके, ऐसी स्थिति में ना तो तंत्र में द्रव्य जा सकता है और ना ही द्रव्य तंत्र से बाहर आ सकता है। ऐसे तंत्र को हम बंद तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल, एक ढके हुए बीकर में गर्म जल, मतलब यदि हम एक क्लोज उसमें गर्म पानी लेंगे तो हम देखेंगे हीट एक्सचेंज होती है पर द्रव्य का मैटर एज इट इज़ रहता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। विलगित तंत्र, ऐसे तंत्र की अपनी सराउंडिंग के साथ कोई अंतर्क्रियाएँ नहीं होती हैं, अर्थात ऐसी परिसीमा में से ना तो ऊर्जा गुजर सकती है ना ही द्रव्य। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे तंत्र में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल, थर्मस फ्लास्क में यदि हम पानी गर्म पानी भर के रखते हैं तो हम देखते हैं ना तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है और ना ही वाटर की क्वांटिटी चेंज होती है। नाउ सम प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, कुछ गुण हैं जो थर्मोडायनामिक्स में हमें पता होने चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर बट नॉट ऑन द क्वान्टिटी ऑफ द मैटर आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा। विशिष्ट अथवा गहन गुण, ये वह गुण हैं जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, उनकी मात्रा पर नहीं। ताप, दाब, सांद्रता, घनत्व, मोलर आयतन, विशिष्ट ऊष्मा आदि ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं वरन उनकी प्रकृति पर निर्भर मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं वरन उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः इन सब गुणों को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं अथवा विशिष्ट अथवा गहन गुण कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी एटसेट्रा। मात्रात्मक गुण, ये वह गुण हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे मास, आयतन, उष्मधारिता, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा आदि। ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं, अतः ऐसे गुणों को तंत्र के मात्रात्मक गुण कहते हैं। यदि तंत्र को हमने सुविधा अनुसार एक या एक से अधिक में विभाजित कर रखा हो तो तंत्र के कुल मात्रात्मक गुण उसके विभिन्न गुणों के मात्रात्मक गुणों के योग के बराबर होते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि इट इज़ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इफ़ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज डिवाइडेड इंटू इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स, द प्रॉपर्टी विच हैव वैल्यू equal to the original value of that property for the whole of the system is called intensive property, while the properties which have values different from the whole of the system are called extensive properties. For example, consider air in a room
एट टेम्परेचर 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ इफ द रूम इज डिवाइडेड बाय सम बाउंड्री इमेजिनरी और रियल इनटू टू पार्ट्स इक्वल और अनइक्वल देन इन दीज टू पार्ट फर्स्ट द टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी ऑफ द गैस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एटसेट्रा विल हैव द सेम वैल्यू एज दैट फॉर द होल ऑफ द सिस्टम इंटेंसिव वाइल द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स मास ऑफ द गैस इन टू पार्ट्स टोटल एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल एटसेट्रा विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एज फॉर द होल ऑफ द सिस्टम इनिशियली इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. मतलब हम जो भी ये गुण मात्रा पे डिपेंड करते हैं उनको हम मात्रात्मक मिलेंगे. नाउ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन इट इज टेकन इन द यूनिट मास ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जांपल मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कहने का तात्पर्य है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रात्मक गुण विशेष गुण में परिवर्तित हो सकता है. किसी पदार्थ की मात्रा को यदि इकाई मात्रा में ले लेंगे हम तो वह मात्रात्मक गुण भी विशेष गुण में बन जाते हैं. उदाहरण कुछ मात्रात्मक गुणों को विशेष गुण में परिवर्तन निम्न सारणी में किया गया है. मात्रात्मक या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास. मास को यदि हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन घनत्व हो जाता है. घनत्व हमारी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं वॉल्यूम. यदि हम वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे तो आयतन अपॉन द्रव्यमान इज इक्वल्स टू विशेष आयतन और वॉल्यूम अपन मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम. दैट इज अगेन अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. थर्स्ट हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी व्हेन डिवाइड बाय वॉल्यूम इट गिव्स स्पेसिफिक हीट. उष्माधारिता को हम द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो विशेष उष्मा होती है जो कि एक विशेष गुण है. फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी अगेन व्हेन डिवाइडेड बाय द मोलर मास इट इज इक्वल्स टू केमिकल पोटेंशियल या मुक्त ऊर्जा अपॉन मोलर द्रव्यमान इज इक्वल्स टू रासायनिक विभव जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो कहने का तात्पर्य है किसी पदार्थ को यदि हम इकाई मात्रा में लेंगे तो मात्रात्मक गुण भी विशिष्ट गुण बन जाता है. थैंक यू.